चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से, जो कि रिलेटेड टू कर्नाटका इलेक्शन से है। कर्नाटका में अभी इलेक्शंस होने हैं, वहाँ के लोकल असेंबली इलेक्शंस चल रहे हैं, होने वाले हैं, और उससे संबंधित कुछ भी स्टेटमेंट आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमने कल चर्चा करी थी हक्की पक्की ट्राइब के बारे में, क्योंकि जो सूडान के अंदर जो सिविल वॉर चल रहा है उसके अंदर काफ़ी इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं, और हक्की पिकी ट्राइब जो है कर्नाटका को बिलोंग करती है, उसी को लेकर कुछ इशू हो गए थे। अभी एक और एक स्टेटमेंट आया है राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाते हुए कहा है कि वो अपने आप को फॉलोअर तो बताते हैं बसवेश्वर का, पर वो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते। तो ये जो बसवेश्वर हैं ये है क्या बेसिकली, और ये इनसे रिलेटेड मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी के अंदर। तो एक तो ये लिंगायत संत थे जो कि 12th सेंचुरी के अंदर हुए। लिंगायत मतलब जो कि भगवान शिव को मानने वाले, जो लिंग की पूजा करने वाले, शिवलिंग की पूजा करने वाले, वो लिंगायत कहलाते थे। तो ये लिंगायत जो है वो सोशल रिफॉर्मर ये संत थे जिन्होंने अगेंस्ट कास्ट के खिलाफ भी काफ़ी काम करा, कास्टिज्म के खिलाफ, चाहे वो सोशल जितनी भी जो भी कुरीतियाँ थी, जो भी वहाँ की नॉट इन द फेवर ऑफ सोसाइटी, जो भी उन्होंने काम करे वो बहुत सारे ये थे कि उन्होंने एक तो अपलिफ्टमेंट ऑफ जो जो सोसाइटी के अंदर जिनका तबका जो इतना ऊंचा नहीं हुआ करता था, कास्टिज्म काफ़ी हावी होता था, उनके अगेंस्ट में काम करा इन्होंने। तो ये एक तरह के सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने भक्ति मूवमेंट के अंदर काफ़ी अपना योगदान दिया, क्योंकि 12th सेंचुरी के अंदर हुए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ही बिलोंग्स टू 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के अंदर हुए थे। और इसके अलावा इनकी जो रचनाएं थी, जो इन्होंने पोएट्री करी, उसको वचनांश के नाम से जाना जाता है, वचंस, ये वचंस के नाम से, या वचनांश जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है वहाँ सदर्न इंडिया के हिसाब से। और ये कर्नाटका के वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति संत है। उसके अलावा इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काम करा, सुपरस्टिशंस के खिलाफ काफ़ी काम करा, और इन्होंने एक इष्टलिंग नेकलेस, जो एक तरह का हार था जिसमें भगवान शिव की इमेज हुआ करती थी, उसको भी इंट्रोड्यूस करा। तो ये इनके कंट्रीब्यूशन थे। उसके अलावा इनको भक्ति भंडारी भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कभी कभार कुछ 50 वर्ड्स आपको लिखने के लिए कहा जाता है किसी संत के ऊपर जो भक्ति मूवमेंट के अराउंड बोर्ड में हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका के हैं, और कभी कभार हमें इतनी जानकारी रहती नहीं है, पर अभी न्यूज़ में है तो इट्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा एक और बात करते हैं कि अभी जो है एक ये न्यूज़ काफ़ी आप लोगों ने सुनी भी होगी कि इंडिया जो है मिड जून या जून के आसपास में, मिड ईयर में, चाइना को ओवरटेक कर जाएगा पॉपुलेशन के अंदर। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 143 करोड़ हो जाएगी मिड जून के अंदर, मिड ईयर के अंदर, और इंडिया जो है चाइना को ओवरटेक कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन से संबंधित एक आर्टिकल है, इसके अंदर काफ़ी कुछ बात करी गई है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं। देखिए, पहले इसमें फर्टिलिटी रेट की बात करी गई है। तो फर्टिलिटी रेट जो है वो, यदि हम लास्ट जो सेंसस हुआ था 2011 के अंदर, 2021 के अंदर होना था, बिकॉज ऑफ कोविड वो हो नहीं पाया है, तो हमारे पास 2011 का डाटा रहता है। तो यदि हम 2011 के डाटा से संबंधित बात करते हैं, तो उस समय फर्टिलिटी रेट जो था वो 2.2 था इंडिया का। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पूछा जा रहा था, 2.2 था फर्टिलिटी रेट। और यही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि रिसेंटली अभी ऑर्गेनाइज हुआ था, कंडक्ट हुआ था, ये 5th नंबर को आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है वो कौन से नंबर का हुआ है, तो ये 5वें नंबर का हुआ है। ईयर पूछ ले तो 2019 से 21 के बीच का है ये। तो इसमें जो फर्टिलिटी रेट आई है वो 2.0 आई है, 2.0। यदि हम सेंसस की बात कर रहे थे तो वो कितनी थी, 2.2 2011 के हिसाब से, और अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है उसमें 2.0 आई है। तो ये जो फर्टिलिटी रेट है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अब इसके बारे में कुछ आर्टिकल आते हैं तो कभी कभार क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तो फर्टिलिटी रेट कितना है इंडिया का अभी राइट नाउ वो पता होना चाहिए। उसके अलावा 68% जो है वो जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप को बिलोंग करती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट है, और काफ़ी हम यदि उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में काम करेगा। देन मूविंग ऑन, उसके अलावा एक आर्टिकल है रिलेटेड टू जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, और फिर उसके अंदर बांग्लादेश और जापान की क्या भूमिका है, क्योंकि रिसेंटली जो है
अभी 11 और 12 अप्रैल को इन थर्ड इंडियन जापान इंटेलेक्चुअल डायलॉग हुआ है, जिसको होस्ट करा था एशियन कॉन्फ्लुएंस ने, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसकॉन, और ये हुआ था त्रिपुरा अगरतला में। तो इन इस आर्टिकल के थ्रू ये बताया गया है कि बांग्लादेश क्यों इम्पोर्टेंट है, जापान की क्या भूमिका है, जापान ऐसे भी चाइना के अगेंस्ट है और चाइना हमारा भी कोई अच्छा दोस्त तो है नहीं, तो हम कैसे एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, बांग्लादेश उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ करेगी, कुछ कीवर्ड्स भी हैं जैसे कि मातर बारी डीप सी पोर्ट जो है वो लोकेटेड कहाँ है, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार ऐसा रहता है कि ये कहाँ पे सी पोर्ट है, तो ये बांग्लादेश में है, यहाँ पे ये लोकेटेड है, ये मातर बारी जो डीप सी पोर्ट है वो यहाँ पे बांग्लादेश में, सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश में लोकेटेड है। और इंडिया के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इंडिया को कुछ भी एक्सेस करना हो तो वो कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल करके या दूसरे प्रदीप पोर्ट या किसी के थ्रू भी यदि वो पहुंचना चाहे बांग्लादेश, तो उसके लिए बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है। और यदि उसको सदर्न जो कंट्रीज़ हैं, खासकर एशियन कंट्रीज़ जैसे बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, तो यहाँ भी उसको पहुँचना है, तो ये पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा इसके अंदर एक और बात करी गई है बिम्सटेक की। हम पहले इस बिम्सटेक में जाने से पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि एक बेसिक सा फैक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से जो राज्य हैं, स्टेट है, वो अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से। तो ये जो शेयर करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्री कैसे है, टाइम एम और पीएम। तो ये जो टाइम से है त्रिपुरा बना है, आप जैसी भी ट्रिक बनाना चाहे, बाकी इसके ये त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम और इस तरफ जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है स्टेट्स 1 2 3 4 5, फाइव स्टेट जो है बांग्लादेश से अपनी बॉर्डर, जो स्टेट्स से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से। फिर बिम्सटेक की बात करी जा रही है, बिम्सटेक बहुत न्यूज़ में रहता है। इसका फुल फॉर्म जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है बिम्सटेक का। तो बिम्सटेक जो है 1997 में अस्तित्व में आया था। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इस्टेब्लिश हुआ था 1996, और इसको जो साइन हुई थी तो इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अभी सेवन कंट्रीज हैं, इसमें सेवन कंट्रीज हैं, इसका सेक्रेटरेट है वो लोकेटेड है ढाका, बांग्लादेश। ये जो इसका सेक्रेटरेट है वो लोकेटेड है ढाका में, बांग्लादेश में, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसकी जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, तो इसकी चेयरमैनशिप थाईलैंड के पास है, 2022 तक श्रीलंका के पास थी, अभी थाईलैंड इसको चेयर कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये सेवन मेंबर कंट्रीज है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये इसकी सेवन मेंबर कंट्रीज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 1997 में इसको इसको इस्टेब्लिश करा गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर रहे हैं, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, रशिया से इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि रशिया ने जो है सऊदी अरेबिया को तो सरपास कर लिया है इंपोर्ट के अंदर। इंडिया का जो क्रूड ऑयल है वो सबसे ज़्यादा जो है इराक से आ रहा है, राइट नाउ इराक नंबर वन है, फिर रशिया है, जैसा कि आर्टिकल बोल रहा है। अभी काफ़ी न्यूज़ों में तो ये चल रहा था कि रशिया नंबर वन पे है इंपोर्ट में, बाकी अभी ये आर्टिकल ये बता रहा है कि इराक इज़ नंबर वन, रशिया सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे सऊदी अरेबिया है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट। और ये भी आर्टिकल ये कह रहा है कि थोड़े दिन में इराक को भी ये सरपास कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑयल इम्पोर्ट। तो रशिया से जो इम्पोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल, उसका नाम ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट ए ब्रेंट क्रूड ऑयल, इट्स ए यूरल, यूरल जो कि माउंटेन है वहाँ का, रशिया का इम्पोर्टेंट, जो यूरोप और रशिया के बीच में पड़ता है वहीं से ये ऑयल आ रहा है, उसका नाम है यूरल, यहाँ पे मेंशन भी करा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया जो है अपना मैक्सिमम इम्पोर्ट जो है ऑयल का वो इन तीन कंट्रीज से कर रहा है। फिर एक और जो न्यूज़ है वो रिलेटेड टू रैंसम वायर है। तो रैंसम वायर क्या होती है, देखिए रैंसम का मतलब होता है फिरौती। अब ये रैंसम वायर जो है इसका मतलब ये होता है कि आपकी आपके कोई भी टेक्निकल गैजेट है, जो भी गैजेट्स हैं उनके अंदर रैंसम वायर आता है और उसे लॉक कर देता है, वो आपको एक्सेस नहीं करने देगा आप जब तक उसको पैसा नहीं देंगे, ये एक तरह की फिरौती हो गई। तो रैंसम वायर ऐसा काम करता है कि आपके
कि आपको यदि कुछ भी एक्सेस करना है, आपको कोई फाइल ओपन करनी है, तो वो पैसे मांगेगा। तो अभी जो रैनसम वायर है लॉग बिट, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है, और इसका कारण है क्योंकि ये एक तो ये इनक्रोग्राफ क्रैप्टर्स के नाम से भी जाना जा रहा है, रैनसम वायर इनक्रैप्टर्स। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी आपकी जो भी डिजिटल करेंसी होती है, जैसे कि बिटकॉइन, तो बिटकॉइन भी जो है वो इनक्रोप्टिंग के थ्रू होती है। और उसके अंदर ये क्या करते हैं कि ये इंक्रिप्शन मांगते हैं उसी, मतलब इसके अंदर आपसे वो डायरेक्ट कोई डॉलर नहीं मांग रहा है, कोई रुपी नहीं मांग रहा है, उसके अंदर वो आपसे डिजिटल करेंसी मांग रहा है। तो उस डिजिटल करेंसी को आप जब पे करते हैं, देन वो अलाउ करता है आपको आपकी जो जो भी फाइल एक्सेस करनी है, जो भी आपको सिस्टम एक्सेस करना है। तो लॉग बिट जो है काफ़ी मतलब काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, क्योंकि इसने, एक तो सबसे बड़ी बात है, इसने जो टारगेट करा है एप्पल के कंप्यूटर्स को टारगेट करा है। ये मैकिंटोश जो कि मैक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये एप्पल का है, और इसको टारगेट करा है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, और इसमें जो है इंक्रोग्राफ्टी मांग रहा है, और वो पैसे जो है वो आपको थ्रू डिजिटल करेंसी ही पे करना है। तो ये न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा, लॉग बिट रैनसम वायर। देन मूविंग ऑन, सेंटर जो फिनेंस मिनिस्टर है, सेंट्रल फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा है कि अब वो जो है पोंजी एप्स पे ज़्यादा उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। पोंजी स्कीम होती क्या है एक्चुअली, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, ये इन्होंने भी इस पर बात करी है क्रिप्टो करेंसी की, और इसमें भी क्रिप्टो करेंसी हो रही है। ये जो लॉग बिट्स रैनसम वेयर है, आई वॉज फॉरगेटिंग द नेम, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे बिटकॉइन हुआ, अभी इंडिया का भी जो रूपी लॉन्च हुआ है वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर लॉन्च कराया है, जिसके अंदर रिसेंटली जो है आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट करके डाला था, उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको यूज़ करा था, उससे बाय करा था। तो ये क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है लॉग बिट। लॉग बिट के अंदर ये हो रहा है कि PNG .png के उसमें फॉर्मेट में फाइल आकर आपके कंप्यूटर में सेव होती है। ज़्यादातर एप्पल के कंप्यूटर्स के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि ये फोकस उसको लेकर हैं, इन एप्पल कंप्यूटर्स को लेकर। और ये PNG के रूप में फाइल जो है आपके कंप्यूटर में सेव होती है, देन वो जो आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि ये सेल्फ स्प्रेडिंग मेलवायर है। तो ये सेल्फ स्प्रेडिंग ऐसे हैं कि इसको कोई कुछ आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देने रहते कि अब ये करना है, अब ये करना है। एक बार आपने उनको सिस्टम में छोड़ दिया, उसके बाद वो खुद ही अपना काम कर लेता है, ये रैनसम वेयर। तो ये रैनसम वेयर जो है, कोई भी फाइल है उसको एक्सेस करने से पहले वो आपसे कोई फिरौती मांगता है, और पूरे सिस्टम का एनालिसिस कर लेता है कि कौन सी फाइल कितना कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार यूज़ हुई है। ये पूरा इसका 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 मॉडस ऑपरेंडी है। तो यही अभी इससे संबंधित, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली सेंटर ने कहा है कि जो पोंजी ऐप है उन पे लगाम लगाएगी। अभी पोंजी ऐप ये जो है वो इस तरह का, आप इसको समझ सकते हैं, ये हेरा फेरी का सीन है। पोंजी ऐप मतलब, पोंजी एक तरीके से ये एक तरह का झूठा वादा होता है कि आपके 1 रुपए को हम शो कर देंगे बहुत जल्दी। मतलब कुछ भी, कोई जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। आप उसको एकदम इस तरीके से नहीं हो सकता कि रातों रात आपके पैसे डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो गए हैं। तो ऐसी कई ऐप्स चल रही है जो क्लेम करती है, चाहे वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मली इंटरेस्ट गिविंग ऐप्स हो, कि वो आपके पैसे को बहुत जल्दी 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना जो भी है वो कर देंगे। तो उस ऐप्स पे कंट्रोल लगाने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री अब काम कर रही है। उनका ये कहना है कि अब हम बहुत जल्दी इन पे काबू पा लेंगे। फिर बात करते हैं एक और न्यूज़ की, कर्नाटका के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और उससे संबंधित कई न्यूज़ आती रहती है। अब वहाँ की एक सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कमेटी ने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी पोल स्टेशन होंगे उनके अंदर वो जो है वहाँ की दीवारों पे कुछ पेंटिंग्स बनाएंगे। तो जो पेंटिंग्स बना रहे हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है, एक तो यक्षगान, एक कम्बाला, एक मैसूर पैलेस और एक मैसूर मैलेगी। अब ये है क्या, यक्षगान तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वहाँ का एक थिएटरल डांस है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस, जिसके अंदर कई थीम्स होती है, ये यक्षगान है। ये जो है कम्बाला, जिसके अंदर जो है भैंसों को लेकर रेस होती है, ये है कम्बाला रेस।
और ये है मैसूर मैलगी, ये जो जो कि एक तरीके से गजरा, और वो जो वहाँ के फ्लावर है जैस्मिन फ्लावर, उसके उससे लेकर ये गजरा बनाया जाता है। इसको भी जीआई टैग मिला रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैसूर मैलगी जो है वो एक तरह का गजरा है और उसको जीआई टैग मिला है। तो ये कभी कभार ऐसे कीवर्ड्स रहते हैं कि इनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में यूपीएससी जनरली पूछ लेता है कि इनमें से किसको जीआई टैग मिला हुआ है और ये क्या है। यदि ये वर्ड है जैसे कम्बाला है तो वो क्या है, एक रेस है कि एक डांस है कि एक थिएटरिकल परफॉर्मेंस है, क्या है, तो वो इसलिए कीवर्ड्स हो जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यक्षगान जो है, दिस इज़ यक्षगान, दिस इज़ कम्बाला एंड दिस इज़ मैसूर मैलगी। फिर अजरबैजान और अर्मानिया के बीच में काफ़ी इश्यूज चल रहा है, और वो जो जगह को लेकर इशू चल रहा है वो है नगरानो कारबाका। ये जो है ये एक ऐसा इलाका है जहाँ से अर्मानिया से आप अजरबैजान को जाते हैं, और इस पे जो है इस पे ये ऐसा तो मैप के अंदर शो होता है अजरबैजान पे, पर इस पे क्लेम जो है अर्मानिया करता है। अर्मानिया की ही कंट्रोल में ये जो है जगह है नगोरना करबाख। इस तो ये जो जगह है इसी को लेकर इनके बीच में आपस में विवाद है और टेंस हो रहा है ये माहौल। तो ये दिस इज़ अर्मानिया, दिस इज़ अजरबैजान। अब इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, कभी कभार हमारे से मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अर्मानिया क्या ब्लैक सी से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, या अजरबैजान जो है किससे अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अजरबैजान जो है कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो कैस्पियन सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। अब कैस्पियन सी से कौन कौन से देश अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ईरान इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसे नाम है जो बार बार आते रहते हैं न्यूज़ में। तो ईरान अपनी बॉर्डर शेयर करता है, अजरबैजान जो कि अभी न्यूज़ में बना हुआ, रशिया शेयर करता है, काजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो काजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आपको याद नहीं भी रहे तो ईरान अजरबैजान और रशिया तो इम्पोर्टेंट है ही सही। देन मूविंग ऑन, चाइना के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे यूरोप और यूक्रेन भड़क गए। अब उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि ये भड़क गए, उन्होंने कहा कि जब रशिया के टुकड़े कर रहे थे आप, मतलब बेसिकली यूएसएसआर के जब 26 दिसंबर 1991 को आपने टुकड़े करे थे, 15 टुकड़े करे थे, तो वो जो नए नए जो देश बने थे वो कोई देश जो है वो उनको ऐसा नहीं बोला गया था कि सॉवरीन है, उनको संप्रभुता नहीं मिली थी, ये उन्होंने ऐसा कह दिया है। और इस कारण वो भड़क गए कि आपका कहने का मतलब क्या है, क्या हम क्या गुलाम देश है कि क्या है मतलब। तो उनका ये कहना है कि नहीं, इसमें क्लियरली कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि दे आर सॉवरीन। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो ये हो जाता है कि जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर है वो कब हुआ था, तक तो 1991 के अंदर हुआ था और 15 कंट्रीज़ के रूप में हुआ था। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बेसिक फैक्ट्स। फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, इसके अंदर एक जो न्यूज़ है रशिया और यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड। रशिया और यूक्रेन काफ़ी दिनों से भिड़े हुए हैं, 1 साल के ऊपर हो गया, अब तो 1.5 साल होना है। इवन ऑलमोस्ट फरवरी 2022 में इनका युद्ध शुरू हुआ था, और अब रशिया और यूक्रेन जो है अभी तक ये वॉर जारी है। अब इसके अंदर जो एक कभी कभार इंपॉर्टेंट जो लोकेशन होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसके अंदर एक रिवर का नाम दिया गया है डाइनेपियर रिवर। अब ये डाइनेपियर रिवर जो है वो लोकेटेड है, ये ओरिजिनेट होती है रशिया से, देन फ्लो इट फ्लोस थ्रू बेलारूस, देन एंटर्स यूक्रेन और फाइनली जो है ब्लैक सी में समा जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। और उसके अलावा एक न्यूज़ और है फ्रॉम बिजनेस न्यूज़, फ्रॉम बिजनेस साइड न्यूज़। तो उसमें इम्पोर्टेंट है कि ये है कि क्या यूएस डॉलर जो है वो अब वो अंडर थ्रेट है क्या, मतलब यूएस डॉलर की जो हेजिमोनी है पूरे वर्ल्ड में वो क्या ख़त्म होने को है क्या। तो कई इस पर चर्चाएं हो रही है, इंडिया भी काफ़ी समय से चाह रहा है कि किसी भी देश से वो यदि डील कर रहा है, दो तीन कंट्री मिलके यदि कोई एग्रीमेंट कर रही हैं तो वो डीलिंग जो है अपनी लोकल करेंसी में करे ताकि जो डॉलर की जो सुप्रीमेसी है उसको ख़त्म करा जा सके। तो यही आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा है। और उसके अलावा इसके अंदर एक जो वर्ड यूज़ करा गया है डी डॉलराइशन। डी डॉलराइशन क्या होता है कि आपकी जो रिजर्व करेंसी होती है, रिजर्व करेंसी का स्टेटस यदि किसी करेंसी को मिला हुआ है, जैसे अभी डॉलर को मिला हुआ है, तो वो रिजर्व करेंसी का यदि स्टेटस आप उसको नहीं देते हैं तो वो डी, मतलब यदि डॉलर को नहीं दे रहे तो डी डॉलराइजेशन हो जाता है। मतलब मान के लिए कि अभी जैसे ऑयल है, ऑयल आप रशिया से खरीद रहे हैं और उसके अगेंस्ट में डॉलर में पे कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है, पर आप बोलते हैं नहीं नहीं हम डॉलर में पे नहीं करेंगे,
हम रेनमी में पे करेंगे या चाइना के युआन में पे करेंगे या इंडिया के रुपी में पे करेंगे, तो ये डी डॉलराइजेशन हो रहा है एक एक तरीके से। आप अपनी जो करेंसी, आपने जो कमोडिटी को पैक कर रखा था डॉलर से, या फिर आपने बोल दिया हम गोल्ड में पे करेंगे, तो ये डी डॉलराइजेशन उसे बोलते हैं। सो दैट्स इट, इनफ फॉर द डे। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।